सब्सक्राइब कीजिए स्टार एंड प्रोटेक्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इन प्रोटेक्ट सीएनसी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मशीन्स फंक्शन यानी कि एम कोड के बारे में सीखने वाले। वैसे तो एम कोड आपके सीएनसी के ऊपर बहुत सारे होते, लेकिन जो कॉमन एम कोड रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एम कोड है M00 प्रोग्राम स्टॉप। M00 का इस्तेमाल सीएनसी मशीन के ऊपर किया जाता है, वो प्रोग्राम स्टॉप के लिए किया जाता है। यानी कि समझ लो कोई प्रोग्राम आपका चालू है, उस प्रोग्राम में कोई ऐसा टूल है कि जिसमें दिक्कत आती है, वो टूल का इंसर्ट वेयर होता है या उसमें स्क्रैप अटकता है, तो प्रोग्राम को आपको क्या करना पड़ता है कि बीच में रुकवाना पड़ता है। वो कंपल्सरी बीच में रुकना ही चाहिए, क्योंकि वो स्क्रैप आपको निकालना है या वो इंसर्ट आपको चेंज करना है। तो उसके लिए M00 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो प्रोग्राम है, समझ लो इस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। समझ लो ये हमारा प्रोग्राम है O1000 N1 हमारा फर्स्ट टूल है, N2 हमारा सेकंड टूल है, N3 हमारा थर्ड टूल है। तो इस तरीके का हमारा प्रोग्राम है। समझ लो हमारा N1 यानी कि फर्स्ट टूल खत्म होने के बाद हमें क्या करना है कि प्रोग्राम को यहाँ पे रुकवाना है, स्टॉप करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि N2 के आगे यानी कि पहले तो यहाँ पे M00 कोड डाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो प्रोग्राम रन होगा, फर्स्ट टूल हमारा जाएगा, टूल आगे काम करेगा जॉब के ऊपर। जब वो रेफरेंस को जाएगा तो M00 कोड वहां पे लेगा मशीन, और मशीन क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से मशीन रुकने के बाद आप क्या कर सकते हो, वापस साइकिल स्टार्ट कर सकते हो। साइकिल स्टार्ट करने के बाद वापस N2 रन हो जाएगा, N3 रन हो जाएगा और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हर एक साइकिल में कंपलसरी यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोग्राम आपका स्टॉप होने वाला है, रुकने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको M00 का इस्तेमाल होगा। अगला कोड है M01, वो है ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप। ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहोगे तो मशीन रुकेगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो मशीन नहीं रुकेगा। इसका इस्तेमाल M00 को निकाल के वहां पे कर सकते हैं, M01। अगर इसका इस्तेमाल आप करते हो तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन रहेगा, उसको ऑन और ऑफ रहेगा, उसके नीचे लिखा होगा ऑप्शनल स्टॉप करके। यानी कि ये कोड को अगर आप यूज करने वाले हो तो आपको इस बटन को यूज करना है। समझ लो मैंने ये बटन क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। बटन ऑन करने के बाद जब मैं साइकिल स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम M01 कोड के ऊपर आ जाएगा, वहां पे प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम स्टॉप होने के बाद आप वापस क्या करोगे, साइकिल स्टार्ट प्रेस करोगे, वापस टूल क्या करेगा, आगे जाएगा और आगे का प्रोग्राम रन होगा। यानी कि M00 और M01 में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, इसको कोई बटन नहीं है, वो डायरेक्ट ही स्टॉप होगा। और इसको क्या है कि आपको बटन यहाँ पे ऑन करना है, तभी प्रोग्राम वहां पे स्टॉप होगा। समझ लो कि आपने बटन को बंद कर दिया, ओके। साइकिल स्टार्ट कीजिए, प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा, आपका फर्स्ट टूल आके चला जाएगा, सेकंड टूल आएगा चला जाएगा, थर्ड टूल आएगा चला जाएगा, यानी यहाँ पे प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। बटन ऑफ है तो प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, बटन ऑन है तो प्रोग्राम रुकने वाला है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, ओके। ये दोनों में से डिफरेंस है, ये कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद में आगे जाते हैं, M01 के बाद M02 एंड ऑफ
प्रोग्राम। M02 का इस्तेमाल होता है एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एंड के लिए, यानी कि जब प्रोग्राम आपका खत्म होने वाला है तब आप क्या करोगे, M02 इस्तेमाल करोगे। ज्यादातर इस्तेमाल इसका सीमेंस में होता है, सीमेंस कंट्रोल जहाँ पे है वहां पे। दूसरा कोड है इसके ही सिमिलर M30 एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिसेट। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, M02 का मतलब है एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम क्या होगा एंड हो जाएगा, और M30 का मतलब है एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिसेट, यानी कि प्रोग्राम यहाँ पे खत्म भी होने वाला है और रिसेट भी होने वाला है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझ लो ये हमारा प्रोग्राम है O1000। ओके, प्रोग्राम को मैंने साइकिल स्टार्ट कर दिया, प्रोग्राम रन होने वाला है, प्रोग्राम रन होते जाएगा, लास्ट को यहाँ पे रहेगा M30। फानुक का मैं एग्जांपल दे रहा हूं पहले, लास्ट को यहाँ पे M30 रहेगा, साइकिल स्टार्ट किया, प्रोग्राम रन होते जाएगा, जैसे ही एंड में M30 कोड मिलेगा उसका तो प्रोग्राम वहां पे खत्म हो जाएगा, और जो कर्सर है आपका वो यहां से वापस फर्स्ट ब्लॉक पे आके रुक जाएगा, यानी कि कर्सर आपका ऊपर आके रुकने वाला है, उसी को हम बोलते हैं रिसेट। ओके, सीमेंस होगा तो क्या होगा, सीमेंस में समझ लो 1000 नंबर का प्रोग्राम है आपका, स्टार्ट किया तो प्रोग्राम रन होगा, एंड में M02 रहेगा, स्टार्ट किया प्रोग्राम रन होगा, एंड में आपका M02 रहेगा, प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्सर आपका ऊपर नहीं आएगा, कर्सर वहीं पे रहेगा। आप जॉब निकालोगे, दूसरा जॉब लगाओगे, वापस स्टार्ट करोगे, तब कर्सर आपका ऊपर आता है, या आपको रिसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा तब कर्सर आपका ऊपर आता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कर्सर पहले ही रिसेट होता है और इसमें कर्सर बाद में रिसेट होता है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, अगला कोड है M03, M04, M05। M03 है स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज, M04 है स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज, M05 है स्पिंडल ऑफ। यानी कि ये कोड से आप क्या कर सकते हो, स्पिंडल को घुमा सकते हो, M03S ऐसे कमांड देना है आपको, और इसके आगे RPM देना है, समझ लो मैंने 1500 दे दिया, तो इसका मतलब है कि स्पिंडल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है, और कितने RPM पे घूमने वाला है तो 1500 RPM पे घूमने वाला है। M04S समझ लो मैंने 1000 दे दिया, 1000, तो इसका मतलब होता है कि स्पिंडल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है और 1000 RPM के ऊपर घूमने वाला है। M05 इसका मतलब है स्पिंडल टॉप, यानी कि प्रोग्राम में जब आपका टूल कटिंग के लिए आगे आएगा तब आप M03 या M04 का इस्तेमाल करके स्पिंडल को ऑन करते हो, कटिंग होने के बाद जब प्रोग्राम खत्म होता है तब आप M05 का इस्तेमाल करते हो और वहां पे स्पिंडल आपका बंद हो जाता है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हो। आगे कोड है M06, M06 का मतलब है टूल चेंज, इसका इस्तेमाल सीमेंस कंट्रोल में होता है और फानुक के VMC में होता है, फानुक के CNC में M06 कोड की जरूरत नहीं है। M06 समझ लो T01 D01 LM ऐसा कमांड मैंने दे दिया, तो वर्किंग क्या होगा कि टरेट जो है वो आपका रोटेट हो जाएगा और टूल नंबर 1 इंडेक्स करके नीचे आ जाएगा, वर्किंग पोजीशन पे आके रुक जाएगा, ये उसका ऑफसेट नंबर है और ये टूल नंबर है, M06 कोड देने के बाद ही वो चेंज करेगा, ये सीमेंस में होता है। अगर फानुक में होगा तो आप इस तरीके से दे सकते हो T0101 टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, आपको M06 देने की जरूरत नहीं है, तभी भी आपका टरेट इंडेक्स हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए,
क्योंकि जल्द से जल्द ये पूरे भारत में जितने भी सीएनसी ऑपरेटर हैं उनके पास ये पहुंचा दीजिए, तो वो भी जल्दी सीख जाएंगे, हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्रूव होगा। प्रोडक्शन क्वालिटी इम्प्रूव होगा तो बहुत सारी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स भारत में प्रोडक्शन करना चाहेंगी, तो उसमें हमारी कंपनी का ग्रो है, ज़्यादा मशीन आएंगे, ज़्यादा नौकरियाँ निकलेंगी और हमारी सैलरी भी उसमें बढ़ सकती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।